हेलो जिज्ञासु पीपल्स, इलॉन मस्क जो पहले सिर्फ चाइना को एक रिलायबल कंट्री की तरह देखते थे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, क्या वो आज इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं? और ये क्यों इंडिया के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके पीछे चाइना का सरकारी मीडिया भी पड़ा हुआ है? इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो टेस्ला की गीगा फैक्ट्रीज अभी यूएसए, चाइना और जर्मनी में है और इलॉन मस्क इसको और कंट्रीज में एक्सपेंड करने वाले हैं। और रिमेम्बर, इनकी एक गीगा फैक्ट्री करीब 20,000 लोगों को जॉब देती है, विच इज ह्यूज। और चाइना के शंघाई शहर में सबसे ज्यादा ऑटो प्रोडक्शन होता है जिसमें से 25% अकेले टेस्ला करता है, क्योंकि इनकी यहाँ पर एक गीगा फैक्ट्री है जिसने अकेले टेस्ला की 50% से ज्यादा व्हीकल्स 2022 में डिलीवर करी थी। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्होंने चाइना में लाखों जॉब्स क्रिएट करी है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक लेजेंडरी कॉम्पिटिशन BYD के रूप में, जो की एक चाइनीज कंपनी है, लिटरली वर्ल्ड लेवल पर किसने ज्यादा सेल्स करी, इनका कॉम्पिटिशन चलता है। चाइना ग्रोथ इन EVs इज व्हाट सम एक्सपर्ट्स कॉल अ चाइनीज स्टॉर्म इन द ग्लोबल इंडस्ट्री। और BYD एक चाइनीज कंपनी होने के कारण चाइना में लोग ज्यादा इनकी EVs को खरीदना प्रेफर कर रहे हैं और टेस्ला इतनी नहीं बिक रही जितनी एक टाइम पर बिका करती थी। और ये इस चीज से भी पता चलता है कि जहां टेस्ला एक ग्लोबल प्लेयर है, वहीं चाइना में इनका मार्केट बस 8% है और वहीं दूसरी तरफ BYD के पास 28% से भी ज्यादा मार्केट है। तो क्लियरली टेस्ला चाहेगा जल्दी से जल्दी और भी मार्केट्स में अपनी पकड़ बनाना और इंडियन EV मार्केट रैपिडली ग्रो कर रहा है। इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो at a compounded annual growth rate of 90% this decade. In fact, Elon Musk 21 और 22 अप्रैल को इंडिया में PM नरेंद्र मोदी जी से मिलने भी वाले थे, लेकिन for some reasons ये डेट अभी पोस्टपोन हो गई है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फुल प्लान बना रखा है ऐसे बिग प्लेयर्स को इंडियन EV मार्केट्स में एंटर करवाने का, क्योंकि अगर पहले कोई टेस्ला की गाड़ी इंडिया में बाहर से लाई जाती तो उस पर 100% टैक्स लगता, लेकिन नई EV पॉलिसी में इस टैक्स को 85% तक कम कर दिया है 35,000 से महंगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा EVs भारत के अंदर ही प्रोड्यूस हो सके और जितनी भी ग्लोबल कंपनीज है वो इसका फायदा उठा सके, इंक्लूडिंग BYD, क्योंकि BYD भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करके यहाँ पर भी टेस्ला को ज्यादा से ज्यादा टक्कर देना चाहती है। और दूसरी तरफ चाइना का मीडिया टेस्ला को कहता है कि वहां मत जाओ, स्किल लेबर्स की कमी है, सप्लाई चेन नहीं है, वगैरह वगैरह। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इनफैक्ट पास्ट में BYD ने इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी प्रॉमिस करी थी जिसको तब हमने रिजेक्ट कर दिया था। और गवर्नमेंट का स्मार्ट मूव ये है कि जो भी फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को सेटअप करेगी उसको अगले 5 सालों में अपनी 50% सप्लाई इंडियन लोकल कंपनी से ही लेनी होगी। अब दोस्तों, जब टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजी इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी तो उसके साथ और भी बहुत सारी कंपनीज खड़ी हो जाएगी जो ऐसी टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड को फुलफिल कर सके और कई कंपनीज की सप्लाई चेन बन जाएगी और इसका फायदा बाद में इंडियन EV प्लेयर्स भी उठा पाएंगे। फायदा ही फायदा। और हाँ, इन सबसे जो लाखों जॉब्स बनेंगी वो अलग। अब आपने शायद ये न्यूज भी सुनी हो कि टेस्ला शुरू में इमीडिएट इन्वेस्टमेंट करेगा $3 बिलियन की और फिर अगले 5 सालों में $30 बिलियन की टोटल इन्वेस्टमेंट होगी अलग अलग प्लांट्स और फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। अब ये कितना सच है ये तो पता नहीं, लेकिन टेस्ला मार्केट में इजी एक्सेस के लिए टाटा के साथ भी कोलैब कर सकता है। और रही बात की ये फैक्ट्री किस स्टेट में आएगी, तो गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि वहां से बाहर एक्सपोर्ट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके इस इन्फॉर्मेशन को दूसरों के साथ भी शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।